हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बोय वर्मा। तो आज से हम करेंगे एक नई सीरीज जिसमें हम करेंगे 500 प्रीवियस ईयर सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस। एंड यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मैंने हर पार्ट में सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट रिवर कौन सी है? तो यह है कांगो रिवर। एंड इसकी गहराई कितनी है? यह है 200 मीटर गहरी। एंड ये क्या है, दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। एंड इसकी लंबाई है 485 किलोमीटर। 485 किलोमीटर ये लंबी है एंड 200 मीटर ये गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेल सेतु कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल सेतु है बोगीबिल सेतु। एंड इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। एंड इसका उद्घाटन कब किया गया था? यह किया गया था 25 दिसंबर 2018 को। एंड 25 दिसंबर को क्या गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? तो इस दिन क्या बोगीबिल सेतु का उद्घाटन किया गया। एंड बोगीबिल सेतु को यूज़ किया जाता है रेल प्लस रोड दोनों के लिए। रेल प्लस रोड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है बोगीबिल सेतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, जो कि 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया था। एंड 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रियों के ऊपर लगाए जाने वाले कर को माफ़ किया था। एंड 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं एंटोनी लेवोसियर। एंड क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने रासायनिक तत्वों के नामों को मॉडर्न तरीके से पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, जिसे क्या नागास के द्वारा मनाया जाता है। एंड नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। एंड हाल ही में अगस्त 2019 में नागालैंड के नए गवर्नर बनाए गए हैं आरएन रवि, रविंद्र नारायण रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का हिस्सा होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के साथ जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यह भी किसी सदन का हिस्सा नहीं होते, जबकि यह राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है महाराष्ट्र में। एंड ये शुरू की गई है मुंबई से लेके पुणे तक। एंड इस बस का नाम क्या है? इस बस का नाम है शिवाय। तो इस क्वेश्चन में अगर इंटरसिटी की जगह सिर्फ पूछ ले कि पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू की गई है, तब आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है महाराष्ट्र में। एंड भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का न्यूनतम जैव मंडल आगार है, यानी कि इंडिया का लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। एंड इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने भारत का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। भारत का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बॉम्बे दहेज में दिया गया था? तो यह राजकुमारी थी पुर्तगाल की। एंड राजकुमारी का क्या नाम था? इनका नाम था कैथरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? तो अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा यूएई में। एंड यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। एंड इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावो क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावो क्रिस्टस वैज्ञानिक नाम है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का। एंड इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि मोर के पैर दिखने में थोड़े भद्दे से लगते हैं, जिसकी वजह से मोर के अपने पाँव को देख के क्राई करता है। पाँव को देख के क्राई करता है, इससे आप याद रख सकते हो पावो क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। एंड बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। एंड टाइगर से आप याद रख सकते हो टिग्रिस, तो पैंथरा टिग्रिस है बाघ का वैज्ञानिक नाम। एंड मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजंता और अलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और अलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता और अलोरा की गुफाएं। एंड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। एंड इसमें जो अलोरा की गुफाएं हैं यह संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से एंड जैन धर्म से। तो यह तीन धर्मों से संबंधित है अलोरा की गुफाएं, एंड अजंता की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाथी दांत और चंदन की नक्काशियों के लिए जाना जाता है? तो हाथी दांत और चंदन की नक्काशियों के लिए जाना जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो एल्पस पर्वत श्रृंखला स्थित है यूरोप में। एंड उत्तरी अमेरिका में स्थित है रॉकी पर्वत श्रृंखला, एंड दक्षिण अमेरिका में स्थित है अंडीज पर्वत श्रृंखला। एंड यह पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो अल्फा कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है त्वचा में, एंड त्वचा के साथ यह बालों में भी पाया जाता है, नाखूनों में भी पाया जाता है एंड मैमल्स के पंजों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना बनी है कृष्णा नदी पे। एंड यह कृष्णा नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी रिवर है इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो। एंड यह नदी ओरिजिन कहां पे होती है? यह होती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है अमोनिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि हुआ था 1761 ईस्वी में, यह किनके बीच में लड़ा गया था? यह लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो यह था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपकी आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।